हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित, इंडिया बायनोकुलर शॉप से। आज हम बात करेंगे दो टाइनी कॉम्पैक्ट बायनोकुलर्स के ऊपर। दोनों ब्रांडेड हैं। एक सेलेस्ट्रॉन का आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, आउटलैंड सीरीज में आता है, और एक ब्रेसर का है। ब्रेसर एक जर्मन ब्रांड है, जैसे सेलेस्ट्रॉन अमेरिकन ब्रांड है। तो दोनों कॉम्पैक्ट बायनोकुलर्स हैं। कॉम्पैक्ट बायनोकुलर्स हमें इसलिए चाहिए अगर हम ट्रैवल या हाइकिंग या बहुत लाइट वेट ट्रैवल करना चाहते हैं, या ऑलरेडी हमारे पास बड़े बायनोकुलर्स हैं एवरेज साइज़ के, 10x42, 10x50 या एस्ट्रोनॉमिकल 20x80। तो हमें बहुत लाइट वेट चाहिए, लेकिन क्वालिटी में हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और वाटरप्रूफ और फॉग प्रूफ और बैक फोर और मल्टी कोटेड लेंसेज में चाहिए। तो ये दोनों हैं। इनके क्या प्राइसेस हैं, क्या फ़ीचर्स हैं, वो मैं ब्रीफली आपको बताऊँगा। सेलेस्ट्रॉन की बात कर लें तो इस तरीके से आउटलैंड का बॉक्स आता है। 8x25 है, 8x पावर है, 25mm लेंस का साइज़ है। तो अगर मेरे हाथ में अगर मैं ये देखूं तो इस तरीके से ये है, इस तरीके से ये इसका आई रिलीफ है जो पॉप आउट हो जाते हैं। तो अगर मैं स्पेक्स यूज़ करता हूं तो मुझे ये नीचे करके इस तरीके से देखने हैं, और इसमें बीच में जो डायोप्टर है यहाँ से फोकस करना है। 8.2 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू देता है, जो कि एक अच्छी बात है। स्ट्रैप इसके साथ लगा हुआ है इस तरीके से, जो गले में डाल कर रखेंगे तो अच्छा रहेगा कि गिरेगा नहीं बायनोकुलर। और राइट रिंग दिया हुआ है यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए, तो मैं लेफ्ट आई बंद करके राइट आई की एडजस्टमेंट करनी है, तो यहाँ से बिल्कुल शार्प फोकस हो जाए। प्लस माइनस में है ये, अगर आप जूम करें तो आप शार्प फोकस कर लीजिए और उसके बाद वहाँ पर छोड़ दीजिए। तो कोई दूसरा अगर यूज़ करेगा तो वो अपने हिसाब से भी फोकस कर सकता है। एक अच्छा बायनोकुलर है, वाटरप्रूफ में है, फॉग प्रूफ है, नाइट्रोजन फिल्ड है, मल्टी कोटेड लेंसेज हैं, बैक फोर है, इसमें डस्ट कैप्स नहीं है साथ में। अब इसके बैक की तरफ अगर बात कर लें तो इसका ये नियोप्रीन बैग आता है इस तरीके से, कि ये बेल्ट के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। बेल्ट यहाँ से फिर हो सकते हैं, तो ऑन द गो है तो यहाँ पे आप बेल्ट पे आराम से लगा सकते हैं। इस तरीके से है ये बैग है नियोप्रीन का। लाइट वेट है काफ़ी, लेकिन अच्छी क्वालिटी है। इसके विपरीत अगर इसमें जाए ब्रेसर का, तो ब्रेसर इस तरीके से बॉक्स में आता है, एक सुंदर से फ्यूर्स सीरीज़ है ये 10x26। वो 8x25 था आउटलैंड, ये 10x26 है। तो इस तरीके से है, अगर आप देखें दोनों का जो लेंथ है थोड़ा सा फ़र्क है। ये 10x पावर में है और ग्रीन कलर में है। ये इसका बड़ा सा डायोप्टर है और एक अच्छी ब्रांडिंग। इसमें डस्ट कैप साथ में है जैसे आप देख रहे हैं दोनों तरफ, और ये यहाँ पे लगी रहती हैं इस तरीके से, और ये ओपन हिंज डिज़ाइन है। आराम से आप फिंगर्स यहाँ फंसा के, इसमें आई रिलीफ है थोड़ा सा ज़्यादा है, और दो क्लिक में है इसका आई रिलीफ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये इसका आई रिलीफ मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, और कोटिंग्स भी मैं इसकी चेक कर रहा हूँ। फुली मल्टी कोटेड बायनोकुलर्स हैं, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो फुली मल्टी कोटेड है, और पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। ब्रेसर की अच्छी सी ब्रांडिंग हुई हुई है यहाँ पे, और साथ में किसका एक स्ट्रैप है इस तरीके से बड़ा सा, आप देख रहे हैं ब्रेसर का लोगो है। ब्रेसर एक जर्मन कंपनी है, और इसका ये बैग है साथ में इस तरीके से, आप देख रहे हैं ये एक इंटरनल पॉकेट यहाँ पे, और एक ये है यहाँ पे इंटरनल पॉकेट। तो अगर आपके नोट्स हैं, बर्ड्स को लेके आपने कुछ ऑब्जर्व किए हैं, ये कोई भी साइट सीइंग या कुछ भी नोट्स हैं, तो आपके लिए नोट के अंदर पॉकेट है, एक अच्छी स्टडी पॉकेट है। इसमें भी स्ट्रैप है। बैग मुझे थोड़ा ज़्यादा स्टडी लगा और ज़्यादा स्पेशियस लगा। डुअल जिप्ड है, दो जिप हैं इसकी बैग्स की इस तरीके से, और बैग का अपना कैरी करने के लिए थ्रेड भी है। मेन फीचर्स की बात कर लें दोनों की, इनमें से कौन सा लेना चाहिए या कौन सा बेटर है। जब मैंने दोनों से व्यू किया तो एच टू एच शार्पनेस थी दोनों में, काफ़ी पिक्चर ब्राइट थी। ब्रेसर में हल्की सी ज़्यादा ब्राइट थी, उसकी एक वजह है ब्रेसर जो है एक तो फुली मल्टी कोटेड है, तो कोटिंग्स जितना ज़्यादा होंगी तो जब हम देखते हैं तो ग्लास में जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट कम होती है, क्योंकि मल्टी कोटिंग्स जो है वो हेल्प करता है, इमेज रिटेन करता है शार्पनेस, और ट्रांसमिट करता है उतनी लाइट। तो 95% लाइट ट्रांसमिट होती है, प्लस इसकी डाई इलेक्ट्रिक और फेज करेक्टेड कोटिंग्स हैं जो कि सेलेस्ट्रॉन में नहीं है। इमेज की ब्राइटनेस हल्की सी इसकी सेलेस्ट्रॉन से बेटर है, और इसका आई रिलीफ भी अच्छा है। दोनों के स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो ये जो है ये 8x25 है, 8x पावर, 25mm लेंस का डायमीटर। ये 10x पावर में है, 26mm में है। ये फुली मल्टी कोटेड है, ये मल्टी कोटेड में है। फील्ड ऑफ व्यू इसका ज़्यादा है थोड़ा सा, एरिया जो ये दिखाएगा वो 8.2 डिग्री है,
इसका करीब 6 डिग्री के आसपास है क्योंकि इस पर पावर ज़्यादा है, 10x पावर है। और वेट की बात कर लें तो ये जो सेलेस्ट्रॉन है थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है, 296 ग्राम्स है और ये 270 ग्राम है। कई लोग वेट को लेके बड़े पर्टिकुलर होते हैं, इनको लाइट वेट चाहिए। और एग्जिट पीपल जो है सेलेस्ट्रॉन का 3.2 है, इसका 2.6 है। आई रिलीफ की बात करें तो सेलेस्ट्रॉन 10 mm आई रिलीफ में है और इसका आई रिलीफ थोड़ा बेटर है, 14 mm आई रिलीफ में है ये। और जैसे मैंने आपको बताया डाई इलेक्ट्रिक कोटिंग्स हैं और फील्ड ऑफ व्यू जो है करीब 1000 मीटर पे अगर हम देखें तो ये थोड़ा एरिया ज़्यादा दिखाता है, 430 मीटर दिखाता है, ये थोड़ा सा कम दिखाता है क्योंकि पावर इसमें ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, ब्राइटनेस की बात कर लें और डाई इलेक्ट्रिक कोटिंग या फेस करेक्टेड कोटिंग जो कि रूफ प्रिज्म में ज़रूरी है, तो उस तरीके से मेरे हिसाब से ये विनर है। प्राइसिंग की बात कर लें फाइनली तो ये 8000 का पड़ता है और ये 7000 का, 1000 रुपये का फ़र्क है दोनों में। दोनों वाटर प्रूफिंग में है, अगर आपको अच्छा ब्रांड चाहिए आप दोनों ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट indiabinoculars.com पे लगे हुए हैं वेबसाइट, और मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9899212222, 9560687095। मैं मोहित अब साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू।